Hello, welcome to another lecture on chapter 18 from the biology NCERT class 11th by body fluids and the circulations. So, चलो बिगिन करते हैं. जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या कहा है कि जो हमारे लोअर एनिमल्स हैं जैसे स्पॉन्जेस हैं सील एंड ट्रेट्स हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स उनमें क्या होता है कि सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़. तो उनमें क्या है कि ये मान लो उनकी बॉडी कैविटीज़ है तो इनमें क्या है वाटर अंदर चला जाता है वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी फ्रॉम द सराउंडिंग जाएंगे और ये सीधा इनके जो सेल्स हैं इनमें डिफ्यूज करेंगे. सिंपल मैकेनिज्म होता है इनमें ट्रांसपोर्ट का. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं तो हमारे अंदर ऐसे खुले में नहीं ब्लड घूम रहा होता है. आर्टरीज में हमारे अंदर और वेन्स के अंदर ब्लड जा रहा होता है और फिर ये सेल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज़ करते रहते हैं. तो ये हमारे अंदर है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर. और इसमें बताया गया है कि बॉडी फ्लूइड्स हमारे इसमें दो के बारे में डिस्कस किया गया है. एक तो है ब्लड और दूसरा है लिम्फ. इन दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है. ब्लड का मेन काम क्या है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट किसकी गैसेस की ऑक्सीजन CO2 न्यूट्रिएंट्स देना ये भी ब्लड का काम है. न्यूट्रिएंट्स कैसे मान लो कि ये हमारी GIT है गट है हमारी और गट में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं सिंपलर ग्लूकोज में. अब ये क्या होगा कि इसको यहाँ पे गट में पोर्टल वेन होती है. जो पोर्टल वेन होती है ये गट को लिवर के साथ कनेक्ट करती है. जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं इसमें अब्जॉर्ब होके लिवर में चले जाते हैं. तो मतलब यहाँ ब्लड में चले गए थे तो ब्लड में चले जाएंगे तो इसका काम क्या हो गया न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स भी ब्लड का काम हो गया. अब इसमें और RBCs होते हैं WBCs होते हैं. अब जो WBCs हैं उनका क्या काम है फाइटिंग डिफेंस मैकेनिज्म. WBCs का काम हो गया डिफेंस मैकेनिज्म का तो ये भी ब्लड का काम हो गया हमारे यहाँ पे. और लिम्फ क्या क्या है लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है. यहाँ पे बताया गया है कि लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड बोला गया है और यही इसका काम होता है कि ये जो भी डेड WBCs होते हैं वो सारे लिम्फ में चले जाते हैं. ये मेजरली यही काम होता है. अब आ रहे हैं सीधा ब्लड पे. ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है ब्लड को क्योंकि ये कनेक्ट करता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ मूव करता रहता है तो कनेक्टिव टिश्यू ही हुआ. कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. यहाँ पे तीन चीज़ें मेंशन करी गई हैं और इसमें जो प्लाज्मा है हमारा प्लाज्मा ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा 55% ऑफ द ब्लड. रेस्ट इज़ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर सेल्स जिसे हम बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%. कौन कौन से आ जाते हैं RBCs WBCs प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आ गए ये हमारे. अब नेक्स्ट मूव ऑन करें तो प्लाज्मा पे. प्लाज्मा क्या है स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है. इसकी कलर बहुत इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है. कलर्ड स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है और प्लाज्मा के अंदर ही प्लाज्मा किस किस चीज़ का बना हुआ है वाटर एंड प्रोटीन्स. ये मेजरली इन चीज़ों का बना हुआ है. वाटर अब कितना परसेंट बनाता है प्लाज्मा का कितना परसेंट बनाएगा 92% ये प्लाज्मा का इतना परसेंट बनाएगा. अब प्रोटीन्स कितना कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 6-8% ये प्रोटीन्स की कॉन्स्टिट्यूट होगी. प्रोटीन्स इतना कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वाटर 55% कॉन्स्टिट्यूट करेगा. स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है. अब जो प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स का क्या काम है. प्रोटीन्स हमारे कौन कौन से आ जाते हैं. प्रोटीन्स में पहले तो आ गया फाइब्रिनोजन. फाइब्रिनोजन का क्या काम है ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है. क्लॉटिंग के काम आता है. कोई भी हमारे टक लग गया कोई भी हमारे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के काम आता है. ग्लोबुलिन्स ग्लोबुलिन्स यहाँ मेंशन किया गया है. ग्लोबुलिन्स कैसे कौन से IgA IgE IgM ये सारे एंटीबॉडीज़ हैं ये. तो ये भी किसके काम आ जाएंगे डिफेंस मैकेनिज्म. IgG ये डिफेंस मैकेनिज्म के काम आ जाएंगे. और यहाँ पे एल्ब्यूमिन भी एक मेजर प्रोटीन है हमारा. ये किस किस चीज़ के काम आएगा एल्ब्यूमिन हमारे काम आएगा. एक तो किडनी में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये ऑन्कोटिक प्रेशर
मेंटेन करने के काम आएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या है कि जो ग्लोमेरुलस है, मान लो कि ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर जाना है बोमेंस कैप्सूल में हमारा। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो पानी को जाने से रोकते हैं, पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये एक ऑन्कोटिक प्रेशर एक नेगेटिव प्रेशर होता है, मतलब ये फिल्टर नहीं होने दे रहा इसको, ये पानी को अपनी तरफ रोकेगा, ग्लोमेरुलस के अंदर बोमेंस स्पेस में नहीं जाने देगा, दैट इज़ ऑन्कोटिक प्रेशर। और दूसरा क्या है, ये एज ए बाइंडिंग प्रोटीन भी काम आता है ट्रांसपोर्ट के लिए। मान लो कि ये एल्ब्यूमिन है, इसके साथ कई और चीज़ें, मान लो एक्स चीज़ें कोई बाइंड कर लाती है, कोई एंजाइम है, कुछ भी है, आयरन है, तो बाइंड करके इसको ये ट्रांसपोर्ट करवाने के भी काम आता है एल्ब्यूमिन हमारा जो है प्रोटीन। तो आगे पढ़ते हैं, आ जाओ। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, बता चुके हैं। ग्लोबुलिन्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्लॉटिंग, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग और ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म के काम में आते हैं। और एल्ब्यूमिन का क्या काम है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना किडनी के अंदर। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक, और भी चीज़ें हैं प्लाज्मा के अंदर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लाइपिड्स एक्सेट्रा ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये कहाँ से आई, प्लाज्मा के अंदर कहाँ से आई, जो हमने GIT से अब्जॉर्ब किया। GIT के अंदर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनेगा, फैट से लिपिड्स हैं टूट टूट के, इनसे फैटी एसिड्स बनेंगे। तो ये भी इनमें प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा के, ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन द बॉडी। खाते जाते हैं हम तो ब्लड में ये चीज़ें आती रहती हैं इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड फैक्टर्स हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर्स, कोगुलेशन फैक्टर्स, 1 से 12 तक कोगुलेशन फैक्टर्स हैं जो, ये भी क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, ये भी प्लाज्मा के अंदर ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसको हम क्या कहेंगे, सीरम। प्लाज्मा में से हमने हटा दिए क्लॉटिंग फैक्टर्स तो उसको हमने क्या बोला, सीरम बोल दिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा क्लॉट करेगा या फिर सीरम क्लॉट करेगा, इन दोनों में से कौन सी चीज़ क्लॉट कर सकती है, तो आंसर है हमारा कि प्लाज्मा विल क्लॉट। वाई, बिकॉज इन प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन सीरम वी हैव रिमूव्ड द क्लॉटिंग फैक्टर्स, सो इट विल नॉट क्लॉट। सीरम क्लॉट नहीं करेगा, प्लाज्मा क्लॉट कर सकता है। तो अगला चैप्टर हमारा आगे कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।